हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। ये देखिए, आज हम बना रहे हैं एक स्नैक मशरूम का। ये हमने मशरूम ली हैं जो 360 ग्राम के करीब हैं, मतलब 400 ग्राम ली थी मैंने और थोड़ा सा उसमें काटने के बाद ये 360 के करीब रह गई हैं। ये फ्रेश मशरूम हैं, बिल्कुल फ्रेश ली हैं मैंने। इनको बीच में से काट लिया है, अच्छे से पहले साफ कर लिया था। एक प्याज को बारीक काट लिया है। ये बटर लिया है हमने, काली मिर्च पाउडर है, नमक है स्वाद के अनुसार, और ये लहसुन की कलियों को काट लिया है जो हमने 15 के करीब ली हैं। पैन में हमने 1.5 टेबलस्पून बटर डाल लिया है। इसमें हम एक चम्मच ऑलिव ऑयल भी डालेंगे, एक चम्मच के करीब ही हम डालेंगे। ये ऑलिव ऑयल हमने लिया है, तो इससे क्या है, बटर ना जलता नहीं है अगर आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दें इसमें। आप कंप्लीट ऑलिव ऑयल में भी डाल सकते हैं, बस जैसे ही हल्का गर्म हो हम ये प्याज डाल देंगे, हल्का सा सौते करेंगे। यकीन मानिए ये खाने में इतनी टेस्टी लगते हैं। जब आपको फटाफट फटाफट कोई स्नैक बनाना हो ना, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। बटर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जरा सा भुनता है फिर आपसे मिलते हैं। इसी में हम ये गार्लिक डाल देंगे जो हमने काट के रखा है, 15 कलियां लहसुन की हमने ये ली हैं जिनको हमने चॉप कर लिया था। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसकी खुशबू बरकरार रहे ऐसा रखना है। इसी के साथ हम डाल देंगे मशरूम। देखिए हमने ज़्यादा पकाया नहीं है इसको, आप देख रहे होंगे जितने भी हमने काट के मशरूम रखे हैं इनको हमने डाल दिया है। बनकर थोड़े से हो जाते हैं और इसको हल्के से ऐसे हाथ से मिक्स करेंगे और इसको चलाते हुए हम ऐसे ना भूनते हैं। क्या है, ये थोड़ी देर के बाद ना पानी छोड़ना शुरू कर देती है मशरूम, तो हमें प्याज और ये लहसुन ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सॉटे करना है बटर में। और ये पैन आप देख रहे होंगे वंडर शेफ का है, ग्रेनाइट कोटिंग वाला, तो बहुत ही अच्छा है ऐसी स्नैक्स बनाने के लिए। हम इसको थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, बहुत बहुत यमी लगता है। अब ये देख सकते हैं आप, मशरूम ने ना पानी छोड़ दिया है, हमें ये पानी सुखाना है। और ये बहुत बस फ्रेश है ना, तो बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और ब्लैक पेपर मैं बाद में डालूंगी। तब तक ये पानी हम सुखाते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, फिर सुखाने के बाद आपसे मिलते हैं। और देखिए पानी जो है ना मशरूम का बिल्कुल सूख गया है, हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है, हाई फ्लेम पर हमने लगातार चलाते हुए इसको पकाया है। ये ना फ्रेशली कुटी हुई जो है काली मिर्च है जो हम इस पे ऐसे डाल देंगे, इनका फ्लेवर बहुत बहुत अच्छा लगता है। भाई मुझे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। आप भी बनाकर मुझे बताइएगा कि ये कैसी लगी आपको। ये है बटर गार्लिक मशरूम, बहुत ही अच्छा फ्लेवर। और अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग, गैस ऑफ करते हैं। और लास्ट में हमने इसमें धनिया पत्ती या कटे हुए पार्सले लीव्स आप डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, क्या बात है, बहुत ही यम, बहुत ही टेस्टी। ये हमारी गार्लिक बटर मशरूम बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।